Hello everyone, this is part 15 of my banking awareness section series. I have already covered 14 videos for that. This section is very important for your upcoming banking examinations, that is IBPS, PO mains or any other examination that you are taking, and this is also helpful for your interview. So I have already covered important topics, and in few more videos I'll complete the whole banking awareness section so that you can achieve your goal easily and can do every question which will be asked in your upcoming exam, that is mains. So let's the topics which I am taking today is, these topics are डियर मनी, बैरन मनी. मैं आपको ये बता दीजिए, सारे जितने भी मैंने आज टॉपिक लिए हैं सारे ही इम्पोर्टेंट हैं. डियर मनी, बैरन मनी, नैरो बैंकिंग, शेडो बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंक्स एंड दीज द टू पेमेंट्स बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स विल बी अंडर डिफ्रेंशिएटेड बैंक्स, डॉविश मॉनिटरी पॉलिसी, हॉकिश मॉनिटरी पॉलिसी, हॉट मनी, हार्ड करेंसी, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट. So let's start the video. First topic I am taking is dear money. As the name is suggesting itself, ये बहुत ही मेहनत से मिली हो एक तो ऐसा लग रहा है. तो ये money वो है जो जिस time interest rates high होंगे तभी हमने ये ली है, available होगी उस time जब interest rates high हैं. So it is the money available when the interest rate structure is very high. जब banking system में बहुत ज़्यादा interest rates high होंगे उस time ये money ली गई है, तो ये dear money हुआ. I'll explain everything about it is the money which is borrowed at high interest rate, because when the interest rates are high the availability of money supply is very less. Market में availability नहीं है money की, तभी हमें interest rate ज़्यादा पे वो money available हो रही है. तो जो उस जो इंटरेस्ट जिस टाइम मनी सप्लाई बहुत कम है उस रेट उस टाइम जब हाई इंटरेस्ट रेट पे हमें मिलती है वो मनी होती है डियर मनी. नॉर्मली क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जो है वो हायर साइड पे होते हैं जब सर्कुलेशन जो है मनी की वो कम होती है. उस सर्कमस्टांसिस के अंडर पीपल विल बोरो एट हाई इंटरेस्ट रेट, बोरो करना ही पड़ता है हाई इंटरेस्ट रेट पे. दैट इज़ नॉट नॉर्मली कंड्यूसिव फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, मीन्स जो कि अच्छा नहीं है जो इकोनॉमिक ग्रोथ है अपनी कंट्री की उसके लिए वो अच्छा नहीं है. बट कोई अदर चांस चॉइस नहीं होती हमारे पास कि हम कहाँ से ले मनी. सो नेक्स्ट, आई होप यू आर क्लियर विद डियर मनी. इसका ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इसके पॉइंट्स लिख के दे देंगे कि ये वाली मनी है या नहीं, और डियर मनी कब ली जाती है, डियर मनी है क्या. तो ये बेसिक छोटी छोटी से टॉपिक्स हैं जो मैं आज एक्सप्लेन कर रही हूँ. सिर्फ आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उनका यूज़ क्या है और ये कब अवेलेबल होती हैं. नेक्स्ट इज बैरन मनी. बैरन का मतलब ये जो है वो आइडल पड़ी है चीज़, मतलब इट इज़ द मनी विच इज़ आइडल विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट. कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आइडल है मनी. जैसे कि नॉर्मली अगर इफ़ यू हैव मनी यू विल इन्वेस्ट इन सम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फिजिकल एसेट्स, आप ऐसे करेंगे. बट यू कैन यू विल यूज़ इट फॉर परचेजिंग समथिंग, बट वेन यू कीप दैट मनी इन सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, अगर आप उस मनी को सेफ डिपॉजिट लॉकर्स में रख देते हैं, if you keep that money in your almira, safe deposit lockers mein rakh diya ya phir almira mein rakh diya, you are a loser at that time because of inflation. I'll explain you with an example ki kaise hua ye cheez, kyunki it indicates that the money is unproductive kyunki wo idle padi hai aapki almira mein ya locker mein, and it loses its value बिकॉज ऑफ inflation. इन्फ्लेशन की वजह से वो अपनी वैल्यू लूज कर जाएगी, क्योंकि क्या होता है इफ मान लो कि इस पेन की जो कॉस्ट है एट प्रेजेंट इज 1000 रुपीज, बट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ 10% दिस विल कॉस्ट यू रुपीज 1100 नेक्स्ट ईयर, आफ्टर वन ईयर यू कैन से. तो जो चीज़ पहले 1000 की थी वो 1100 की होगी. इफ आई हैव रुपीज 1000 आई कैन परचेज दिस आइटम टूडे, ठीक है. But and if I keep these 1000 rupees in my almira, and if I want to purchase that pen after 1 year,
मैं चाहती हूँ कि वो एक साल के बाद में उस पेन को परचेज करूँ. आई कैन नॉट परचेज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि वो पहले 1000 का था वो 1100 का हो गया मेरे पास, तो 1000 रुपीज़ ही है. सो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन बैरन मनी लूजेज इट्स वैल्यू. जो आइडल पड़ी है मनी वो अपनी वैल्यू को ही लूज कर देती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. आई होप यू आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट ऑफ बैरन मनी. सो लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नैरो बैंकिंग. वॉट इज नैरो बैंकिंग? ऑब्सेशन ऑफ बैंक्स टू इन्वेस्ट मोर इन गवर्नमेंट सेक्टर, ये बोल सकते हैं हम कि जो बैंक्स का एक ऑब्सेशन है कि वो इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में. बैंक्स इंस्टेड ऑफ गिविंग लेंडिंग टू आउटसाइडर्स, बाहर वालों को देने के बजाय वो अपना ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं ताकि उनको इंटरेस्ट रेट मिलता रहे. वो अपना उनको फ़ायदा देते हैं मार्केट में, वो पैसा जाने ही नहीं देते, फ्लो बनता ही नहीं है मार्केट में, सर्कुलेशन जो है मनी की वो रुक जाती है. फॉर SLR एज पार्ट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ आपको. SLR के लिए RBI ने ये जान के SLR रखा है 20% जो भी है इस टाइम, वो मैंडेटरी इसलिए रखा है क्योंकि इफ दैट इज बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट ईदर इन कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसमें उनको करना ही पड़ेगा. 20% उनका फिक्स कर दिया है, बट बैंक्स हैव गॉट ऑब्सेशन, उनके पास तो उनको तो लालच है इस चीज़ का, वो ऑब्सेस्ड है इस चीज से टू इन्वेस्ट मोर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिकॉज इट इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है कि वहां से गवर्नमेंट की तरफ से तो पैसा मिलेगा ही. देयरफॉर बैंक इंस्टेड ऑफ गिविंग लेंडिंग टू आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स को देने की बजाय दे विल इन्वेस्ट मोर इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स. इसे हम बोलते हैं नैरो बैंकिंग, कि एक तरह से नैरो सोच ही बोल सकते हैं, जैसे कि हम नैरो थिंकिंग है, ये है वो है, ये वैसा ही हो गया नैरो बैंकिंग की. वो आउटसाइडर्स को देना नहीं चाहते, सर्कुलेशन नहीं कराना चाहते मनी की, अपना ही फायदा देख रहे हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं हम नैरो बैंकिंग. सो नेक्स्ट इज शेडो बैंकिंग. शेडो बैंकिंग क्या होगा कि किस बैंकिंग की शेडो, एक तरह से इस वर्ड से ही ले लीजिए शेडो. शेडो कैसे बनेगी? जो बैंक करते हैं वही काम कोई और भी करे तब वो शेडो बन जाएगी उसकी. Like if you want vehicle loan, you can go to SBI. Clear? You can go to SBI as well as you can go to Bajaj Finance or any other finance company. You have the options. Like if you go want gold loan, you can go to the bank or you can go to the Manipuran Finance or Muthoot Finance or some other gold finance company. You have many options. Likewise, if you want consumer durable loans, यू कैन गो टू द बैंक और NBFC, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के पास भी जा सकते हैं. सो द एक्टिविटीज विच आर बींग अंडरटेकन बाई बैंक आर ऑल्सो बीन डन बाई अनदर NBFC. जो काम बैंक कर रहा है वही काम दूसरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी कर रही हैं. तो ये चीज़ क्या बन रही है? वॉट एवर द बैंक्स आर डूइंग एक्सेप्ट सम ऑपरेशन, लाइक डिमांड ड्राफ्ट नहीं अवेलेबल कराते वो, कुछ ऑपरेशंस को छोड़ के जो एक्टिविटीज बैंक कर रहे हैं, सम NBFC आर ऑल्सो डूइंग द सेम वर्क. सो द ऑपरेशंस अंडरटेकन बाय NBFC, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं कई बार उन्हें, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर नोन एज शेडो बैंकिंग, उसको हम बोलते हैं शेडो बैंकिंग. उसकी वो एक तरह से शेडो बन गई है. लाइक वेन द सेम ऑपरेशंस आर डन बाय बैंक, अगर जो NBFC कर रहा है वही काम बैंक कर रहा है, वो जो ऑपरेशन जो NBFC कर रहा है वो डिफरेंस हो जाता है उस चीज़ में. मीन्स अगर बैंक कर रहा है और NBFC कर रहा है तो वो शेडो बैंकिंग होगी, बट अगर NBFC कर रहा है बैंक कर रहा है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा. ठीक है, जो NBFC कर रहा है वो बैंक करेगा, देर इज़ नो डिफरेंस, दे विल बी नॉट काउंटेबल एज वेल. बट अगर वो जो बैंक कर रहा है वो NBFC करेगा तो उसको हम शेडो बैंकिंग बोल देंगे. ठीक है, एज बैंक्स आर वेल रेगुलेटेड इन द कंट्री, बैंक्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू फेल. ठीक है, एंड योर मनी इज एश्योर टू द इन द बैंकिंग सिस्टम बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन बाय RBI, बट सेवरल NBFC आर पुअरली रेगुलेटेड एंड द प्रोबेबिलिटी फॉर फेलियर इज मोर. तो शेडो बैंकिंग जो है इज लीस्ट रेगुलेटेड. ये एक तो लीस्ट रेगुलेटेड है, ज़्यादा कोई रेगुलेटेड नहीं है. बैंक्स को तो RBI रेगुलेट करके रखता है और इनकी तो रेट्स वगैरह सब कुछ चेंज होता रहता है सब कुछ, और एक तो इंस्पेक्शन बहुत होती है इनकी, क्वार्टरली बेसिस पे सब कुछ चेक होता है. और शेडो बैंकिंग जो है वो लीस्ट रेगुलेटेड एंड समटाइम कंज्यूमर्स विल बी एट रिस्क ऑफ दिस शेडो बैंकिंग, इससे रिस्क पे भी रहता है कंज्यूमर. तो शेडो बैंकिंग और द ऑपरेशंस अंडरटेकन बाय NBFC सिमिलर टू बैंक, बट बेसिक डिफरेंस इज देयर. डिफरेंस है
जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा सेफ फील करते हैं बैंक्स के साथ. ये है टर्म, ये यूज़ भी होती है, बट आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए. इनके बीच में डिफरेंस भी है लिटिल बिट कि दे आर लीस्ट प्रेफरेबल बिकॉज ऑफ द रिस्क फैक्टर. ओके, बैंक्स आर मोर प्रेफरेबल. ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद इट. नेक्स्ट टॉपिक आई एम टेकिंग इज यूनिवर्सल बैंक्स. यूनिवर्सल बैंक्स नाम से ही पता चल रहा है, द बैंक्स विच यू आर डीलिंग विद आर नोन एज यूनिवर्सल बैंक्स. जिनके साथ आप डे टू डे बेसिस पे डील कर रहे हैं, नाउ डेज यू आर डीलिंग विद देम, दीज आर कॉल्ड यूनिवर्सल बैंक्स. लाइक ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB दैट इज पंजाब नेशनल बैंक्स, ऑल कम अंडर यूनिवर्सल बैंक्स. रिसेंट लाइसेंस दिए गए थे किसको, IDFC को और बंधन बैंक, बंधन को, तो वो भी यूनिवर्सल बैंक है. बिकॉज दे कैन ऑल्सो अंडरटेक एनी फाइनेंशियल एक्टिविटी लाइक गिविंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू कॉरपोरेट्स, लाइक गिविंग प्रोजेक्ट फाइनेंस फॉर मल्टी बिलियंस एंड डील्स इन कंट्री. ये सब कुछ इनके भी सारे हो के सब काम कर सकते हैं. बट इफ समवन वांट्स टू कंस्ट्रक्ट 5,000 crore ऑफ रुपीज ऑफ प्रोजेक्ट, अगर एक चाहता है कोई प्रोजेक्ट बनाना 5,000 crore का, बैंक्स कैन अंडरटेक फाइनेंस ले सकते हैं, और प्रोजेक्ट फाइनेंस लोन्स ले सकते हैं, एडवांसमेंट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो सकती है, क्रेडिट कार्ड्स यूज हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, ये बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू ये चीज़ें दी जाती हैं लोगों को. ठीक है, ये चीज़ें सारी अवेलेबल हैं. बट रिसेंटली RBI ने क्या किया, RBI गेव इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर पेमेंट्स बैंक ऑल्सो. RBI ने क्या किया, अप्रूवल दे दिया है पेमेंट बैंक को, स्मॉल फाइनेंस बैंक को, और जिन्हें हमें बोला गया है डिफ्रेंशिएटेड बैंक्स. जो बाकी बैंक है यूनिवर्सल बैंक, उनका फंक्शन क्या है, वो सारे काम करते हैं, बट थोड़ा पर्टिकुलर काम करवाने के लिए RBI ने इनको भी लाया, इनको भी लाइसेंस दिया एक तरह से, स्मॉल फाइनेंस बैंक को और पेमेंट्स बैंक को. बिकॉज दे कैन अंडरटेक ओनली नैरो रेंज ऑफ ऑपरेशंस. इनको डिफ्रेंशिएटेड क्यों बोला गया है, बिकॉज दे कैन अंडरटेक ओनली नैरो रेंज ऑफ ऑपरेशंस. कुछ ही काम कर सकते हैं, कुछ ही ऑपरेशंस ये कर सकते हैं. लाइक पेमेंट्स बैंक जो है, दे कैन मेक पेमेंट्स एंड रेमिटेंसेस, पेमेंट्स कर सकता है पेमेंट बैंक. दे कैन नॉट गिव लोन्स, ये लोन्स नहीं दे सकते. इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि पेमेंट बैंक का क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. पेमेंट्स बैंक में क्या है, दे कैन नॉट गिव लोन्स, वो लोन्स नहीं दे सकते. दे कैन नॉट अंडरटेक एनी अदर ऑपरेशन लाइक प्रोजेक्ट फाइनेंस, किसी भी फाइनेंस को, किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं कर सकते वो, ऐसा कोई फंक्शन नहीं करते वो. लाइकवाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक किसके लिए, इनका मेन कोर एरिया क्या है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, लैंडिंग इन स्मॉल आर्टिसंस, स्मॉल आर्टिसंस को पैसा देना, लैंडिंग टू स्मॉल फर्म्स विद वैल्यू ऑफ लोन नॉट एक्सीडिंग सर्टेन लिमिट. कुछ लैंडिंग करना स्मॉल फर्म्स को जिनकी लोन लिमिट लिमिटेड होगी, ये नहीं कि कितना भी दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है इनके पास फंक्शन. बट ये स्मॉल जो फर्म्स हैं, आर्टिसंस हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. आई होप यू आर क्लियर विद इट. नेक्स्ट इज नेक्स्ट टॉपिक आई एम टेकिंग इज टाइप्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी. देर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, डोविश मॉनिटरी पॉलिसी एंड हॉकिश मॉनिटरी पॉलिसी. डोविश मॉनिटरी पॉलिसी कब होगा, व्हेन मोर मनी इज इन सर्कुलेशन में भी. मान लो कि ज़्यादा मनी सर्कुलेशन में है, तो मनी सर्कुलेशन में ज़्यादा कब होती है ये आपको बताइए. व्हेन CRR इज रिड्यूस्ड, मैंने CRR जब रिड्यूस किया था, मैंने बोला था कि मनी जो है सर्कुलेशन में आ जाएगी ज़्यादा. SLR भी रिड्यूस कर दिया, CRR भी रिड्यूस कर दिया, रेपो रेट भी रिड्यूस कर दिया, तो मनी जो है वो ज़्यादा सर्कुलेशन में आ गई. इट लीड्स टू मोर क्रेडिट ऑफ टेक फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, क्रेडिट ऑफ टेक ज्यादा हो गया बैंकिंग सिस्टम से, तो ये होती है डोविश मॉनिटरी पॉलिसी. एंड द अपोजिट ऑफ डोविश मॉनिटरी पॉलिसी इज हॉकिश मॉनिटरी पॉलिसी. हॉकिश मॉनिटरी पॉलिसी में क्या होगा, जब CRR इंक्रीज कर दिया, SLR इंक्रीज कर दिया, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, तो क्या होगा, लेस मनी इन सर्कुलेशन. दैट्स वाई द इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर जो होगी वो हाई हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे मिलेगा, क्योंकि जब लेस मनी होगी सर्कुलेशन में तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, SLR ज्यादा कर दिया, SLR CRR ज्यादा कर दिया, तो ये होगी हॉकिश मॉनिटरी पॉलिसी. दे आर अपोजिट टू ईच अदर. आई होप यू आर क्लियर विद इट. नेक्स्ट इज आई एम टेकिंग इज हॉट मनी. हॉट मनी कौन सी होगी, जो कुछ आपको हॉट सीट बोलते हैं ना, कि कुछ जैसे कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट होती है. हॉट मनी कब होगी, जब आपको कुछ गेन हो रहा है. तो जो मनी है विच मूव्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री सो एज टू टेक एडवांटेज ऑफ शॉर्ट टर्म गेन्स, जो उनको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट टर्म गेन्स होते रहे, मीन्स उनको एक तरह से प्रॉफिट ही हो रहा है. कैसे होगा ये प्रॉफिट, टू मैक्सिमम इंटरेस्ट गेन. अगर आपको चाहिए कि आपका इंटरेस्ट गेन ज़्यादा हो, तो क्या करेंगे, इफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया इज राइजिंग,
सपोज किया कि स्टॉक मार्केट जो है इंडिया में वो राइज कर रही है, तो क्या करेंगे अमेरिकन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, क्या करेंगे, विल इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट, देन वो इन्वेस्ट करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट में. अगर स्टॉक मार्केट क्रैश करती है हमारी इंडिया की, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ये कोई फैक्ट नहीं है, दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल. क्या है, अगर स्टॉक मार्केट क्रैश करती है दे विल मूव टू अनदर कंट्री, वो मूव कर जाएंगे दूसरी कंट्री में कि यहाँ पर तो क्रैश कर रही है हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ से प्रॉफिट लिया, ये वाली क्रैश कर गई अगर तो आगे दूसरी कंट्री में चलते हैं, जैसे कि ब्राजील चले गए, साउथ अमेरिका चले गए, मैक्सिको चले गए, वो चले गए. तो क्या होता है जब भी मनी आती है, वेन मनी कम्स इन द कंट्री और इन द स्टॉक मार्केट ऑफ एनी कंट्री, तो एसेट बबल बन जाता है. एक एसेट बबल मीन्स बहुत सारा पैसा आ गया एकदम इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, तो एक एसेट का बबल बन गया जो कभी भी फूट सकता है. तो क्या होगा व्हेन मनी गोज अवे, एकदम अगर मार्केट क्रैश कर गई तो वो जो बबल है वो भी खत्म हो जाता है और एकदम सडन क्रैश हो जाता है. ये टर्म है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, तो ये आपको पता होना चाहिए. एसेट बबल, व्हेन मनी कम्स इन एसेट बबल विल टेक प्लेस, एंड व्हेन मनी गोज अवे देन सडन क्रैश. ये हॉट मनी के केस में ही होता है, क्योंकि हॉट मनी क्या है, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए है. नेक्स्ट टॉपिक आई एम टेकिंग इज हार्ड करेंसी. करेंसी विच इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड टू बी रिलेटिवली स्टेबल, जो करेंसी रिलेटिवली स्टेबल है वो होती है हार्ड करेंसी. ये एक्सेप्टेड है फॉर वेरियस पेमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, हाईली लिक्विड है ये फॉरन एक्सचेंज में मार्केट में, मीन्स कहीं पर मतलब इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, हर जगह एक्सेप्टेबल है. नॉर्मली बिलोंगिंग टू पॉलिटिकली इकोनॉमिकली स्टेबल इकोनॉमीज, ये बेसिकली कहाँ पर होती है, जो कि जो जिस कंट्री की जो जो पोजीशन है इस टाइम पे पॉलिटिकली इकोनॉमिकली स्टेबल है, उनकी इकोनॉमी जो चल रही है इस टाइम वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबल चल रही है. फॉर एग्जांपल फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स करेंसी जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड है, तो इसका मतलब है कि वो हार्ड करेंसी. एट प्रेजेंट क्या है, यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया, ये हार्ड करेंसी है बिकॉज मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इन यूएस डॉलर. ज्यादा मोस्टली जो 60% वर्ल्ड की जो ट्रांजेक्शन है वो यूएस डॉलर में एक्सेप्टेबल है, तो वो हार्ड करेंसी हुआ. आई होप यू आर क्लियर विद इट. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड नो अबाउट दिस. नेक्स्ट आई एम टेकिंग इज टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स. ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल ईजी है, बट कईयों को ये इनका बेसिक डिफरेंस ही नहीं पता होता, तो ये आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट इज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट एंड सेकेंड वन इज ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट. ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होगा, व्हेन अ प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच एट ए न्यू लोकेशन. कोई प्रोजेक्ट था यहाँ पर है, बट हम इसी प्रोजेक्ट को, ये मान लो यहाँ पर डिट्रॉयट हो रहा है, यहाँ पर इसका अच्छा नहीं चल रहा सिस्टम, तो यही प्रोजेक्ट हमने कहीं और नई प्लेस पे ओपन कर दिया, बट फ्रॉम द स्क्रैच. ये नहीं कि इसी को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं हम, कहीं और नई पोजीशन पे उसको दोबारा एस्टैब्लिश कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल शमशाबाद एयरपोर्ट हैदराबाद में, अर्लियर इट वाज इन बेगमपेट. गवर्नमेंट ने के पास दो ऑप्शन थे, वेदर टू अपग्रेड द इंफ्रास्ट्रक्चर एट बेगमपेट एयरपोर्ट और कंस्ट्रक्टिंग न्यू एयरपोर्ट ऑल टुगेदर एट ए न्यू प्लेस कहीं और पे दोबारा. एंड कंस्ट्रक्टिंग एनी न्यू प्रोजेक्ट एट ए न्यू प्लेस इज नॉन एज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट. कोई भी नया प्रोजेक्ट नई प्लेस पे अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट. नेक्स्ट इज ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट. डेवलप करना एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो भी वहीं से, नॉट फ्रॉम द स्क्रैच, उसी को अपग्रेड करना इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो होगा ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट. एग्जाम्पल इफ दिल्ली एयरपोर्ट इज डेवलप्ड देयर इटसेल्फ, मीन्स उसको हम वहीं पर डेवलप कर रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट को, या फिर कोलकाता एयरपोर्ट को, चेन्नई एयरपोर्ट को, तो वो होगा ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट. आई होप यू आर क्लियर विद एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक विच आई हैव डिस्कस टूडे. सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो. एंड दिस इज अ रिक्वेस्ट, प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो सो दैट आई कैन कम टू नो इफ यू गाइस वॉन्ट मी टू कम्प्लीट दिस सीरीज एंड यू आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम इट. बिकॉज इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी हेल्प देर इज नो पॉइंट कंटिन्यूइंग द सीरीज. सो आई एम साइनिंग आउट.